हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और मैं इसके पास इसलिए आ रही हूँ कि ये ना अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा है। जैसे कि इसकी मॉम ना दूसरे गाय भैंसों के साथ खेत में गई है चरने के लिए, तो ये यहाँ पे अकेला है, इसलिए माँ को आवाज़ दे रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ, इसलिए कैमरा उठा के लाई तो इसने आवाज़ देना ही बंद कर दिया। तो देख सकते हैं इसने अपना थोबड़ा बंद कर दिया है, तो अब मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो ये बार बार अपनी जीभ निकाल रहा था, तो इसे लगा कि मुझे इसे दूध चाहिए। तो फिर मैंने क्या सोचा कि इसको ज़रा ना, मतलब इसे पैदा हुए ही 4-5 दिन हुए, तो मैंने सोचा कि इसे ज़रा पानी का टेस्ट कराते हैं। तो इसे धूप लग रही होगी, मतलब जैसे कि धूप नहीं लग रही है फिर भी गला सूख जाता है, इसलिए मैंने पानी लेके आई हूँ इसे। तो ये पानी में टेस्ट किया है इसने, यहाँ पर पानी पिया नहीं है, सिर्फ थोड़ा ही किया है। फिर मैंने बहुत ट्राई किया कि ये पानी पिए पर नहीं पिया, फिर मुझे बहुत गुस्सा दिलाया इसने। तो आप देख सकते हैं हमारा ना ये चंद्र बहुत ही क्यूट है, पता नहीं कब बड़ा होगा, पानी पिएगा, चारा खाएगा, वो वेट कर रही हूँ मैं, पर देखते हैं कब बड़ा होता है ये धीरे धीरे। पानी पिए, क्यूट है, चल पानी पी, पानी पी, एक पानी पी, पानी पी रे, पानी पी ले, छान है पानी पीने, गाड़वा ए गाड़वा, पानी पी, पानी पी, जमर बोल लो, हट। मैं चली गई यहाँ ये गुस्से से यहाँ से, तो इसने क्या किया, फिर से आवाज़ दिया, तो मैं फिर से आई ये रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसने फिर से आवाज़ बंद कर दिया। तो इसी तरीके से ये मुझे ना बहुत गुस्सा दिला रहा है, मुझे ना इसका आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखाना था आपको किस तरीके से चिल्लाता है ये, पर अफसोस। ए शेर खान, इकड़े बक, खबर किसको किसको बाहर जाना है, किसको किसको बाहर जाना है, चलो